Hey guys, good morning. कैसे हो आप सब? आज हमारा बाकू में तीसरा दिन है. आज हम जाएंगे मिनी वेनिस. मिनी वेनिस यहाँ बाकू में जैसे रोम में, इटली में ऐसा कुछ जैसे बना हुआ है कि छोटी नहर की तरह वहाँ से निकाली गई है. उसमें से कश्तियाँ चलती हैं, नावें चलती है, जैसे सेम इटली और वेनिस की तरह. तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि मिनी वेनिस को. अभी हम चलेंगे, जाएंगे वहाँ पे. और इस वक्त हम फिर से सेंट्रल बाकू में हैं. ये साइट कल रह गया था, विजिट नहीं कर पाए थे, तो सोचा आज इसको विजिट करके और मिनी वेनिस की तरफ चलते हैं. आप सबको आज मिनी वेनिस दिखाते हैं यहाँ का. गाइस, ये यहाँ पे इनका महंगे महंगे शोरूम है जिनमें पर्स वगैरह डाले हुए हैं. पीछे मैंने देखा, पीछे गुची का भी शोरूम था उधर में. तो ये सारा शॉपिंग सेंटर एरिया है. यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड के, जो ऊंची ब्रांड है, उनके शूज है या पर्स है, जो भी है खरीद सकते हैं, जो बहुत ही महंगे महंगे और ऊंची ब्रांड के सारे. फाइनली गाइस, हम लोग मिनी वेनिस पहुँच गए. ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए. रोड यहाँ पे क्रॉस कर नहीं सकते, सारे अंडरपास बने हुए हैं, क्योंकि सभी को अंडरपास आना होगा. और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए मिनी वेनिस. और बहुत ही खूबसूरत है. अभी आपको हम दिखाते हैं मिनी वेनिस का नज़ारा. आइए मेरे साथ. वाकई में बहुत खूबसूरत बनाया है, इसको बनाने वाले ने बहुत खूबसूरत बनाया. ये देखिए, सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है. गाइस, वाकई में बहुत खूबसूरत है. इधर इन लोगों ने कैफ़े वगैरह बनाया हुआ है. जो कश्ती है वो अभी खड़ी है, क्योंकि पता नहीं कैसे कि नहीं चल रहा, लेकिन सच में बहुत ही खूबसूरत है. बहुत खूबसूरत नज़ारा है, देखिए आप ये सब. ये इन लोगों ने इधर कैफ़े बनाया हुआ है. और वो देखिए, वो कश्तियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है अभी. सच में बहुत खूबसूरत नज़ारा है. अगर इसको मिनी वेनिस कहा गया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा इसको मिनी वेनिस बोलना. आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है. सेम मिनी वेनिस हर तरफ से. सही में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कैफे. बहुत खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है. देख के लगेगा सच में ही हम लोग कहीं वेनिस, इटली, रोम में घूम रहे हैं. देखिए, ये अगर नहर ये जो बनाई गई है वेनिस की तरह या इटली की तरह, तो मेरा नहीं लगता कि ये सही है. ये आर्टिफिशियल बनाया गया है. और जहाँ तक मुझे लगता है, ये पानी है ये उधर दरिया किनारे से उठाया गया है, क्योंकि पास में समुंदर है तो वहाँ से ये पानी उठाया गया है. ये देखिए, मेरे को नहीं लगता ये कि सही में, लेकिन मुझे लग रहा है ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि दिख रहा है. साथ में आप रेस्टोरेंट का भी लुफ्त उठा सकते हैं. कैफ़े और रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत है. और यहीं साइड में है, थोड़ा समुंदर दरिया किनारे पास में है, तो दरिया किनारा तो ज़रूर ये पानी वहीं से उठाया गया है. सच में बहुत खूबसूरत है. और पास में से ऐसा नहीं है, ये पास में से आप देख सकते हैं, ये फ्लिंट टावर भी पास में है. मेरे पीछे अभी आप शायद देख पा रहे होंगे कि फ्लिंट टावर भी मेरे पीछे है जस्ट. तो वाकई में बहुत खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ. और सारा जो ये वेनिस का जो बनाया गया है यहाँ पे मिनी वेनिस, इस पर खूबसूरती के चार चांद लगा रहे हैं पूरे. क्या रात, एक तो मौसम बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और चारों तरफ बादल छा गए. सूरज भी है, वो बादल ढक गए हैं, बादलों ने सूरज को ढक लिया है. मौसम भी ख़राब है और हो सकता है बारिश भी आ सकती है. कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें. अभी देखो चलते हैं उस साइड, बाकी देखो क्या होता है. मौसम बहुत ख़राब है, बारिश आने वाली है, सूरज भी अभी बादलों के पीछे छुप गया है. कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कवर करने की सारा.
गाइस मेरे पीछे एक आप बिल्डिंग देख सकते हैं, जैसे अपने कालीन होता है, इसको देख के लग रहा है अभी थोड़ा सा कि हम लोग मुस्लिम कंट्री में, जैसे कालीन होता है नवाज वगैरह पढ़ने के लिए, उसी हिसाब से एक बिल्डिंग को उसी का रूप दिया गया है, जैसे कि एक कालीन हो। मैं आपको चलो दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई, एकदम कालीन की तरह, कालीन की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई। गाइस ये मेरे पीछे आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जिसको एक गुलाब के फूल की सेफ दी गई है, बहुत ही खूबसूरत ये मार्केट है। अभी जाके हम इसको अंदर से देखते हैं कैसा है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि कैसा है ये अंदर से। बहुत ही खूबसूरत मार्केट बनाया गया, बिल्डिंग देखिए आप, एकदम गुलाब नेवा सेफ दी गई है, जैसे गुलाब का फूल हो। चलो अब आ गए हैं उसी बिल्डिंग के नीचे, और चलो अंदर से हम देखते हैं मार्केट कैसा है, खूबसूरत कैसा, क्या बना हुआ मार्केट सारा। साथ ही इधर से, इधर से आज देखिए कितना खूबसूरत मार्केट बनाया गया है। आइए आप मेरे साथ ऊपर आइए, अभी हम फ्लोर से ऊपर चल रहे हैं, ऊपर जाके हम दिखाते हैं। सच में बहुत खूबसूरत मार्केट बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अलग अलग ब्रांड शोरूम रखे गए, अलग अलग ब्रांड के। क्या हम साबित देखते हैं ना, चलते ना। बहुत ही बेहतरीन ब्रांड, बहुत बड़ा मॉल है, काफी बड़ा मॉल है, बड़ा मॉल है। अगर आप लोग बाकू आते हैं, अजरबैजान आते हैं, तो जरूर एक बार इस मॉल को विजिट करें। ये मॉल है वो पूरा दुबई को टक्कर देने वाला है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मॉल बना हुआ है, एक गुलाब के फूल की पंखड़ियों की तरह ऊपर से इसका डिज़ाइन दिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत मॉल। और हम ये इसके सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे इसके बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सारे सभी बैठे आराम से, ये देखिए सब कुछ अपना एक रेस्टोरेंट ऊपर दिया गया है। सही में दुबई को टक्कर दे रहा है ये मॉल, बहुत ही खूबसूरत मॉल बनाया गया। चलो गाइस अभी इस शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हैं, इतना कुछ खास था नहीं इसमें दिखाने के लिए, बस खाली यही बाहर से आपको देख के इसका जो गुलाब नवा शेप है, जो आर्ट बना हुआ था, वो दिखाने के लिए हम लोग आ गए। इतना कुछ खास है नहीं इस मॉल में वैसे, खाली खाने पीने का है, और ऐसे मॉल तो अपने इंडिया में भी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं, चलते हैं वहाँ पर बाहर। गाइस अभी रात हो चुकी है, लास्ट नाइट हम लोग बाकू की जो नाइट लाइफ थी आप लोगों को थोड़ा दिखाया था, आज हम लोगों ने फिर प्लान बनाया है कि हम लोग आज फिर से नाइट लाइफ अच्छे से ठीक से दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। इस वक्त मैं मुगम में हूँ, और यहाँ पे लगभग रात के 7:30 बज चुके हैं, शाम के 7:30 बज चुके हैं, पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं इनकी जो फेमस बिल्डिंग है वो भी अच्छे से अभी लाइटों से जगमगा रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा शाम का यहाँ पे। गाइस आखिर हम निकल आए हैं मॉल की साइड से, हम निकल आए हैं, वाकई में रात को एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आया, देखने लायक नज़ारा रहता है, चारों तरफ रोशनी रोशनी। अभी हमें एक वाटरफॉल मिला, देखें आप खुद देखें कि इतने अच्छा चल रहा है सारा सब कुछ, रंगीन एकदम खुश मिजाज, इतने खूबसूरत लोग बैठे हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतने खूबसूरत लोग बैठ के इस नज़ारे पर चार चांद लगा देते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, फाउंटेन बहुत खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह ऊपर से इतने खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, ऊपर वाले ने इनको हुसन बहुत रज रज के दिया है, इतनी सर्दी है लेकिन फिर भी लगभग लड़के हैं वो शॉर्ट में, बहुत ही खूबसूरत है सारा सब कुछ, आप देखिए बहुत रस है, बहुत ही खूबसूरत। मैं हैरान था कि यहाँ पे इतनी लेट नाइट तक इतनी लड़कियाँ कैसे घूम रही हैं, समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या हो, ये सब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो लेट नाइट क्लासें होती है उसकी वजह से यहाँ पे इतना रश है, इसलिए। हेलो, हाउ आर यू?
I'm good. तो ये सब लोग मस्ती कर रहे हैं, सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं. तो ये लेट नाइट जो क्लासेज चलती है वो क्लासेज जिसकी वजह से यहाँ पे रश हुआ है, इस वजह से ये सब हो रहा है. ये था हमारा आज का ब्लॉग, मिलते हैं अगली वीडियो के में अंदर. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल. चलो बाय बाय.